हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 19 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। लेक्चर नंबर 18 में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उसी को आज फिर आगे बढ़ाते हुए वही एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इस लेक्चर नंबर 19 में भी पढ़ेंगे। इसके तहत आज हम आवेशित अचालक गोले के बाह्य बिंदु पृष्ठ पर तथा आंतरिक बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो बाह्य बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। तो माना ओ केंद्र व कैपिटल आर त्रिज्या का एक आचालक गोला है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उसके पूरे आयतन भर में एक समान रूप से फैल जाता है। आइए यहां देखें, इस प्रकार चित्र से स्पष्ट है कि ओ केंद्र व कैपिटल आर त्रिज्या का एक आचालक गोला है, जिसके पूरे आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित। इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूर स्थित बाह्य बिंदु पी पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम उस बिंदु पी से होकर जाने वाले स्मॉल आर त्रिज्या के संकेंद्रीय गॉसियन गोली पृष्ठ खींचते हैं। माना केंद्र ओ व त्रिज्या कैपिटल आर के आचालक गोले के संपूर्ण आयतन
रिवर्स क्यू आवेश समान रूप से वितरित है केंद्र ओ से स्मॉल आर दूर स्थित बाह्य बिंदु पी पर वायत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बिंदु पी से जाने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का संकेंद्रीय गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींचा गया बिंदु पी पर एक क्षेत्रफल अवयव डी ए है इसकी दिशा तल के लंबवत इसकी दिशा तल के लंबवत है वायत क्षेत्र त्रिज्यता वायत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यता बाहर की और है अतः वेक्टर डी ए व वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में
इसलिए इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर शून्य अंश। ठीक, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्य प्लस। इसको लिखेंगे d phi e इक्वल वेक्टर e डॉट e dA cos theta। चूंकि थीटा बराबर जीरो इसलिए e dA cos जीरो डिग्री। cos जीरो डिग्री का मान एक होता है इसलिए e a गुणे a बराबर e। अतः d phi e equal e a, इसको हम समीकरण एक मान लें। अब संपूर्ण गॉसियन गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत प्लक्स, संपूर्ण गॉसियन गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाइ ई इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी फाइ ई। This equal integral over closed surface, समीकरण एक से d phi e का मान e a। e a नहीं, ध्यान दीजिए समीकरण एक में ये हो गया e d u। समीकरण एक में d phi e equal e d u, यहां dA यहां dA, तो d phi e equal e dA। क्लियर, देखिए d phi e equal vector e dot vector d e dA cos theta e dA cos 0 degree equal e dA। अतः d phi e equal e dA। अब संपूर्ण गॉसियन गोलीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी वाई ई इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डी। ई को इंटीग्रल साइन से बाहर किए, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी। आप पढ़े हैं जिस प्रकार डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है वैसे डी ए का इंटीग्रल ए होता है। ये हो गया ई इंटू ए। अतः phi e equal e into a, इसको हम समीकरण दो मान लें। अब गॉस की प्रमेय से phi e equal Q over epsilon zero, ये समीकरण तीन हो गया। दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, समीकरण दो व तीन की तुलना करने पर दोनों समीकरणों की जब तुलना करेंगे
तो हमें मिलेगा बायां पक्ष देखिए दोनों के बराबर है, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा E equal Q over epsilon J। यहां से वायु तो क्षेत्र की तीव्रता E equal Q over epsilon zero A। एक अग्रक का पक्षांतर होने पर भाग A स्मॉल R त्रिज्या का गॉसियन गोलीय पृष्ठ है, इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। मान रख दें ये हो जाएगा q ओवर एप्सिलॉन 0 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब इसी को यहां एडजस्ट करें तो e बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओवर r स्क्वायर। ये हो गया ठीक। अब Q का मान, चूंकि यह अचालक गोला है इस पर आवेश पूरे आयतन भर में एक समान रूप से फैलता है, तो प्लस Q आवेश इसके पूरे आयतन कैपिटल V में एक समान रूप से फैला है, तो एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा जिसको हम आयतन आवेश का आयतन घनत्व जिसे रो से निरूपित करते हैं, तो यहां आवेश का आयतन घनत्व रो, रो बराबर होता है Q बटे V। यहां से Q बराबर हो जाएगा रो गुणे V ठीक, वही मान रख दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q की जगह रो इनटू V आयतन, गोले का आयतन 4 बटे 3 पाई आर क्यूब होता है, ये हो गया 4 बटे 3 पाई कैपिटल आर क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चूंकि रो इक्वल क्यू ओवर वी, रो इक्वल क्यू ओवर वी, यहां से क्यू इक्वल रो इनटू वी, वी की जगह 4 बटे 3 पाई आर क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से आप देखें तो 4 पाई से कट जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा ई बराबर ऊपर बचा रो और नीचे बचा 3 एप्सिलॉन 0 इनटू ऊपर बच गया आर क्यू कैपिटल आर क्यू और नीचे हो गया स्मॉल आर स्क्वायर। इस प्रकार आवेशित अचालक गोले के बाह्य बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र आया, इसको हम समीकरण 4 कहते हैं ठीक। अब हम गोले के पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो लिखिए गोले के पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, इसे ही निकाल रहे हैं।
गोले के पृष्ठ पर वृत्त क्षेत्र की तीव्रता के लिए अब आप स्मॉल r की जगह कैपिटल r लिख दीजिए अपने इसी समीकरण 4 में। यहां लिख रहे हैं पृष्ठ पर एट सरफेस पृष्ठ के लिए स्मॉल r इक्वल कैपिटल r। तो समीकरण 4 से E बराबर रो ओवर 3 एप्सिलॉन 0 ऊपर कैपिटल आर क्यू और नीचे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आइस पर 2 आर तो कट जाएगा, 1 आर बचेगा। तो इस प्रकार ये हो गया रो ओवर 3 एप्सिलॉन 0 या रो ओवर एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर बाई पी। तो इस प्रकार गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर रो ओवर एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर ओवर के। ये हो गए, इसको हम समीकरण 5 कहेंगे। अब आंतरिक बिंदु पर आवेशित अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 3, ये नंबर 2 था और ये नंबर 3 आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके लिए जरा ध्यान दीजिए। जैसे उबला हुआ अंडा होता है, अंडे के सभी ऊपर के भाग देखिए आलू की तरह होते हैं और रंग में सफेद व्हाइट होते हैं और उनके ठीक मध्य में आप देखिए तो एक पीला क्षेत्र होता है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार उस पीले क्षेत्र की तरह यहां हमको इस आवेशित अचालक गोले के भीतर जिस प्रकार वो भीतर पीला वाला क्षेत्र है उसके पृष्ठ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए पीले वाले क्षेत्र। तो ऐसे यहां पर आंतरिक बिंदु पर हमको क्षेत्र चाहिए। इसके लिए आंतरिक बिंदु मान ले रहे हैं यह क्यू है आंतरिक बिंदु Q से जाने वाला स्मॉल r त्रिज्या का गॉसियन गोली पृष्ठ इसके लिए आंतरिक बिंदुओं से जाने वाला स्मॉल r त्रिज्या का गॉसियन गोली पृष्ठ है।
इस पृष्ठ पर बिंदु Q पर एक क्षेत्रफल अवयव लिया गया है। यहां इस बिंदु P पर Q पर एक क्षेत्रफल अवयव लिया गया है जिस पर यह है वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए E, और क्षेत्रफल अवयव की दिशा मान लीजिए dP। ठीक, तो बिंदु Q पर क्षेत्रफल अवयव dA वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर शून्य अंश। ठीक, अब यहां देखिए इस क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d phi e equal vector e dot vector dA e dA cos theta e dA cos 0 अंश बराबर e dA। इसको हम अतः d phi e बराबर e dA, इसको समीकरण एक मान लें। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इसको कहेंगे phi e equal integral over closed surface d phi e, समीकरण एक से d phi e का मान रख देंगे e dA, e को बाहर कर लिए, integral over closed surface dA, dx का समाकलन x होता है इसलिए dA का समाकलन a हो गया, तो हो गया dA। तो इस प्रकार phi e बराबर आ गया e into a। ये है समीकरण दो। गॉस की प्रमेय से phi e equal q over epsilon 0। तो यहां आप देखिए पूरे गोले जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी उसमें q आवेश था, तो भीतर जैसे नाभिक होता है तो वहां आवेश की मात्रा निश्चित रूप से कम होगी, मान लीजिए वो मात्रा q डैश है, तो यहां हम q डैश लिख दिए ओवर एप्सिलॉन 0। ये समीकरण तीन हो गया। समीकरण दो व तीन की तुलना करने पर इसको नीचे का मिटा दे रहे हैं,
नीचे का सब मिटा दिया गया। देखिए तुलना करने पर दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाहिने पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। समीकरण दो का बाएं दाहिना पक्ष ईए है, तो ईए बराबर समीकरण तीन का दाहिना पक्ष क्यू डैश बटे एप्सिलॉन डी, ईए बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन डी। यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन जीरो। अब क्यू डैश के लिए चूंकि ये अचालक गोला है, अचालक गोले के पूरे आयतन भर में एक समान रूप से आवेश फैलेगा, तो हम आवेश का आयतन घनत्व तो रो ले लें। चूंकि रो बराबर क्यू बटे वी, रो बराबर क्यू बटे वी, और वी है चार बटे तीन पाई कैपिटल आर क्यू। इसी प्रकार जो अंदर का नाभि की तरह अंडे के पीले भाग की तरह छोटा भाग है, गोलीय भाग, उससे बद्ध आवेश क्यू डैश है, यही रो बराबर हो गया क्यू डैश अपान 4 अपान 3 पाई कैपिटल आर क्यू। इस छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्यू हो गए। इससे हम इस क्यू डैश का मान निकाल सकते हैं, थोड़ा पहले हल कर लें, तो 4 अपॉन 3 पाई नीचे से कट गया, तो यहां से आपको क्यू अपॉन आर क्यू इक्वल बच गया क्यू डैश अपॉन स्मॉल आर क्यू। यहां से हम क्यू डैश का मान पाएंगे, स्मॉल आर क्यू जो भाग है पक्षांतर कर दीजिए बुरा हो गया बटे कैपिटल आर क्यू गुणे क्यू। अतः क्यू डैश का मान स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू गुणे क्यू, यही क्यू डैश का मान यहां रख दिया जाए, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आ जाएगी। नीचे है एप्सिलॉन जीरो, ए का मान 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, ए का मान 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू डैश का मान स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू गुणे क्यू। अब इसमें आप देखें स्मॉल आर स्क्वायर ऊपर से कटा, तभी एक स्मॉल आर बचा,
इसको हल करने पर यहां आपको मिला नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर बच गया आर क्यू बटे नीचे कैपिटल आर क्यू। ठीक, तो ऊपर भी 3 से भाग दे दीजिए और नीचे भी 3 से भाग दे दीजिए, ऊपर भी हम 3 से भाग दे दिए, नीचे भी 3 से भाग दे दिए, ठीक। तो ऐसी अवस्था में E बराबर, आप देखिए यहां से ध्यान से देखिए, Q अपान 4/3 πr³, इसकी जगह रो लिख देंगे, Q अपान 4/3 πr³, देखिए Q अपान 4/3 πr³ की जगह रो लिख देंगे। ऊपर तो आ गया रो बटे नीचे आ गया एप्सिलॉन 0, ठीक, ऊपर आ गया आर और बटे नीचे आ गया 3। देख लीजिए E इक्वल रो ओवर एप्सिलॉन 0 क्यू अपन 4/3 πr³, सब की जगह हम रो लिख दिए, यहां बच गया ऊपर 4/3 नीचे एप्सिलॉन 0। तो इस ढंग से आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र है, इसको हम समीकरण 4 कह दें। यहां आप देखें कि E सबको कांस्टेंट मान लें तो E प्रोपोर्शनल आर हो, अर्थात अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगर इनके बीच हम विचरण निकालना चाहें तो ये खींच सकते हैं, ये हो गया ये केंद्र हो गया, ये आर हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले लें, दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर लें, यहां बना दें, ये देखिए ये गोले के भीतर वाला भाग हो गया, टेढ़ा हो गया, अब सही है, ये गोले का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इस पर धन आवेश है, धन आवेश। अब इस पर विचरण देखिए, यह है आप दिखाई दे रहा है। अब आप देखें जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही, इधर दूरी ले लीजिए x अक्ष पर, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लीजिए E, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इस रेखा द्वारा ये कैसे खींचेंगे, देखिए E प्रोपोर्शनल आर, इससे y बराबर mx की तरह है, y बराबर mx क्योंकि E इक्वल इसकी प्रोपोर्शनल m इनटू r कर देंगे तो y बराबर mx की तरह होगा, y बराबर mx मूल बिंदु से जाने वाली सरलरेखा होती है जैसे यहां खींचा गया, क्लियर है, ये हो गया। और ये गोले के बाहर यह
E प्रोपोर्शनल टू 1/r² की तरह चलता है और यहां पर E प्रोपोर्शनल r की तरह चलता है। ऐसे ही आप इधर भी खींच सकते हैं, ठीक। यहां भी आप देखिए गोले के अंदर तो E प्रोपोर्शनल r y बराबर mx की तरह होगा और ये बाहर 1/r² की तरह इस ढंग से होगा। यहां E प्रोपोर्शनल 1/r² है और यहां E प्रोपोर्शनल r। इस ढंग से वैद्य छेद की तीव्रता u1 दूरी r से विचलन हमने यहां दिखाया आवेशित अचालक गोली कोष के कारण। धन्यवाद।